तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और इसमें एक अंडरलाइन पार्ट मैं बता देता हूँ किसमें अंडरलाइन है। इस पार्ट में दोस्तों 2 बाय जो है इसमें हमको चेक करना है कि ये 2 बाय जो है ये इस सेंटेंस में अप्रोप्रिएट है या फिर इसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। देखते हैं तो क्या लिखा है, रोहित इज थिंकिंग टू बाय हिमसेल्फ अ न्यू कार। रोहित जो है वो क्या कर रहा है, हिज टू बाय थिंकिंग टू बाय हिमसेल्फ अ न्यू कार। दोस्तों एक चीज देखो कि थिंकिंग जो है ये थिंकिंग जो है याद रखो कि थिंकिंग के साथ जो है टू नहीं आता है, थिंकिंग के साथ क्या आता है, ऑफ प्रीपोजिशन आता है, ये आप याद रखना, ठीक है। थिंकिंग के साथ जो है टू नहीं होता है, ठीक है। तो और अगर यहां पर केवल थिंक होता, ठीक है, थिंक होता तो उसके बाद वर्ब का हम लोग क्या लगाते, सीधा आईएनजी लगा देते, मतलब थिंक बाइंग हो जाता अगर केवल थिंक होता तो। एक बात तो है तो टू नहीं होने वाला है तो क्या होगा, जाहिर सी बात है ऑफ आएगा और ऑफ के बाद वी वन आईएनजी आ जाएगा, मतलब ये वाला हमारा सी वाला बिल्कुल राइट है कि रोहित इज थिंकिंग ऑफ बाइंग हिमसेल्फ अ न्यू कार, की वो खुद से जो है वो क्या सोच रहा है, खुद से अपनी कार खरीदने के बारे में वो सोच रहा है, ठीक है, सी वाला आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन दी, चलिए ग्रामर, ये एरर करेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है ना, एरर करेक्शन का ये क्वेश्चन है आपका। देखो क्या लिखा हुआ है, वीवर वोक अप, अच्छा वीवर वोक अप, वीवर वोक अप इस तरीके से कहते हैं, नहीं कुछ गड़बड़ है, वीवर वोक अप इन द मिडिल ऑफ द नाइट बाय द साउंड ऑफ बर्स्टिंग क्रैकर, कि हम लोग जो है उठ गए, किसको, एकदम रातों रात, रात के बीच में ही हम लोग, मिडिल ऑफ द नाइट मतलब आधी रात में हम लोगों की नींद खुल गई या हम लोग उठ गए बाय द साउंड ऑफ बर्स्टिंग क्रैकर, जो जो पटाखे जो बज रहे, आवाज उसकी आवाज जो है उसकी आवाज से जो है हम लोग रात में उठ गए, हमको उठना पड़ा। तो ये देखो दोस्तों वी आया, ठीक है, उसके बाद जो है वर, अब वर क्या है आपका, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब का टू बी वाला वर्ब है। तो इसके बाद जो है दोस्तों अगर कोई वर्ब आया तो वो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है ना, कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म आता है, जो कि ये क्या कहलाता है, इन्फिनिटिव कहलाता है, क्या कहलाता है, या तो इन्फिनिटिव होगा या फिर जो है ये पैसिव फॉर्म में होगा, ठीक है ना, किस फॉर्म में होगा, ये पैसिव, इसका पैसिव फॉर्म में है। तो वी वर वोक अप नहीं होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं होता है, वोकन होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसका, वी वर वोकन अप इन द मिडिल, बीचों बीच रात में जो है हमको उठाया गया या उठ गए हम लोग, किसके कारण, बर्स्टिंग क्रैकर की आवाज के कारण। तो एरर जो है हमारा इस पर्टिकुलर वर्ड में है, ठीक है, तो सी वाला जो है ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है, द फायर फाइटर्स हैव फाइनली मैनेज्ड टू गेट द फॉरेस्ट फायर डैश। तो फायर फाइटर ने फाइनली इस चीज को मैनेज कर लिया, क्या मैनेज कर लिया, फायर, अब जाहिर सी बात है दोस्तों फायर फाइटर का काम क्या होता है, आग को लगाने का काम होता है कि आग को बुझाने का काम होता है ना। फायर फाइटर्स इतनी मेहनत करते हैं जंगलों में, कई बार आग लग जाती है, पूरा दिन रात मेहनत करके उसको आग को बुझाते हैं, ठीक है, आग को बुझाने का काम होता है। तो फायर को क्या, आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब वो खुद चाहेंगे कि फायर और ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, कभी नहीं चाहेंगे। विथ कंट्रोल, कंट्रोल के साथ रहे, नहीं, कंट्रोल में रहे या अंडर कंट्रोल, तो क्या होगा, हैव फाइनली मैनेज टू गेट, है ना, द फॉरेस्ट फायर इन कंट्रोल नहीं होता है, अंडर कंट्रोल जो है आपका बिल्कुल अंडर राइट प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने फाइनली किसी तरीके से मैनेज किया कि फायर जो है वो क्या हो जाए, कंट्रोल, अंडर कंट्रोल हो जाए, हमारे गिरफ्त में हो जाए, हमारे कंट्रोल में हो जाए, ये बिल्कुल राइट तरीका है लिखने का, ठीक है, सी हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है देख लेते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, वापस फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है, आई वुड अप्रिशिएट इट इफ यू डू नॉट गेट इनटू एनी डैश विथ योर कलीग्स, ठीक है, क्या इसमें बोला जा रहा है दोस्तों कि मैं इस चीज को जो है अप्रिशिएट करूंगा, मतलब मुझे खुशी होगी, ऐसे बोलते हैं ना बिल्कुल, ये फ्रेज है कि मुझे खुशी होगी यदि तुम जो है तुम गेट इनटू डैश, मतलब तुम किसी उस अपने कलीग, अपने जो सहकर्मी हैं, तुम्हारे जो साथी हैं, अगर तुम उनसे झगड़ो नहीं,
है ना, तुम उनसे विवाद ना करो तो मुझे इस बात में क्या होगी, मुझे इस बात पे हर्ष होगा, मुझे इस बात पर खुशी होगी। मतलब यहाँ पर क्या नहीं करो किसी प्रकार का, कोई नेगेटिव वर्ड है ठीक है, तो अपने अब उनको खुशी कब होगी, कब वो जब कॉन्टेस्ट करेंगे, कॉन्टेस्ट का मतलब है कॉम्पिटिशन, कम्पीट ठीक है, तो कम्पीट की यहाँ पर बात नहीं हो रही है ना। कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब तो होता है मीनिंग ठीक है, कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है मीनिंग, कुछ अलग ही सेंस है। कैलामिटी जो है ये अब हमको जो है दोस्तों यहाँ पर क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, किसी प्रकार की कोई एक्शन की यहाँ पर बात हो रही है और वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म चाहिए। कैलामिटी तो जो है नेचुरल कैलामिटी जो होती है ठीक है, जो महामारी जो होती है जिसको बोलते हैं आपदा, जिसको बोलते हैं आपदा, जिसको बोलते हैं, ये तो आपका जो है नाउन है ठीक है, तो ये तो आपका होगा नहीं, तो जाहिर सी बात है क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है झगड़ा या फिर विवाद, जब ये आपका एक नेगेटिव सेंस का वर्ड है, विवाद या फिर किसी प्रकार का अपना जो सहपाठी है उससे किसी प्रकार का झगड़ा या फिर विवाद अगर तुम नहीं करोगे तो मुझे इस बात पर जो है क्या होगी, खुशी होगी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों चलिए हमारा ये है पैसेज का, पैसेज का क्वेश्चन आपके सामने आ गया दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो है जिस तरीके से हम लोगों ने किया है कि हम लोग इसको जो है वापस से पढ़ेंगे, दो बार पढ़ के इसको समझेंगे और उसके बाद जो है मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। फर्स्ट टाइम जो है हम लोग थोड़ा स्लो पढ़ने वाले हैं, फिर थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे और आप लोग भी जो है मेरे साथ इसे पढ़ें। चलिए तो शुरू करते हैं, शुरुआत होती है द चाइनीज हैव in drinking tea for health and enjoyment for more than 5000 years. No one knows what drew them to the glossy green leaves of Camellia sinensis, but a popular legend fills the gap in our knowledge. According to the legend, Shen Nong, an early emperor, required that all drinking water be boiled. One summer day, while visiting a distant region of his kingdom, he stopped to rest because he felt very tired. The servants began to boil water for the king and his ministers to drink. Dried leaves from a nearby bush fell into the boiling water, turning it into a brown liquid. The emperor drank some of the new liquid. He felt fresh and much better after drinking the liquid, and thus tea was created. According to an Indian legend, a Buddhist monk on one of his travel about 2000 years ago swore not to sleep during the 9 years of his journey. However, by the end of the third year, he was so fatigued, he almost fell asleep. ठीक है, ये थोड़ा सा स्लो हमने पढ़ा ठीक है, आप लोगों को भी मेरे साथ पढ़ना है। अब इसी को जो है हम लोग एक बार और पढ़ेंगे थोड़ा सा फास्ट ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, द चाइनीज हैव बीन ड्रिंकिंग टी फॉर हेल्थ एंड एंजॉयमेंट फॉर मोर देन 5000 ईयर्स, नो वन नोज व्हाट ड्रू देम टू द ग्लॉसी ग्रीन लीव्स ऑफ कैमेलिया साइनेंसिस, बट अ पॉपुलर लेजेंड फिल्स द गैप इन आवर नॉलेज। अकॉर्डिंग टू द लेजेंड, शेन नोंग, an early emperor, required that all drinking water be boiled. One summer day, while visiting a distant region of his kingdom, he stopped to rest because he felt very tired. The servants began to boil water for the king and his ministers to drink. Dried leaves from a nearby bush fell into the boiling water, turning it into a brown liquid. The emperor drank some of the new liquid. He felt fresh and much better after drinking the liquid, and thus tea was created. According to an ancient legend, a Buddhist monk on one of his travel about 2000 years ago swore not to sleep during the 9 years of his journey. However, by the end of the third year, he was so fatigued,
ही ऑलमोस्ट फेल अस्लीप। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्लाइड में जो पार्ट था दोस्तों वो हमने दो बार पढ़ा, अब नेक्स्ट पार्ट भी हम लोग पढ़ते हैं उसी तरीके से दो बार। ठीक है, ये लास्ट स्लाइड है इस पैसेज की, दो बार हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट थोड़ा स्लो, आप भी पढ़े मेरे साथ, ठीक है, आप भी ध्यान दें बिल्कुल। दैट इज व्हेन ही एक्सीडेंटली स्टम्बल्ड अपॉन अ वाइल्ड ट्री एंड पिक्ड अ फ्यू लीव्स फ्रॉम इट्स टॉप, ही चूड ऑन द लीव्स एंड सून रिकवर्ड। Thanks to these leaves, he was able to stay awake during the next 6 years of his mission. The Japanese version of this legend is slightly different. The monk had wood to meditate for 7 years without sleep. One night, however, he fell asleep. He was so angry with himself that he cut off his eyelids and threw them to the ground. A few years later, passing by the same spot, he noticed a strange looking bush. He tasted its leaves and realized that they gave him the power to keep his eyes open. This story soon spread and tea bushes are often seen in Buddhist places of worship. ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं। That is when he accidentally stumbled upon a wild tree and picked a few leaves from its top. He chewed on the leaves and soon recovered. Thanks to these leaves, he was able to stay awake during the next 6 years of his mission. The Japanese version of this lesson is slightly different. The monk had wood to meditate for 7 years without sleep. One night, however, he fell asleep. He was so angry with himself that he cut off his eyelids and threw them to the ground. A few years later, passing by the same spot, he noticed a strange looking bush. He tasted its leaves and realized that they gave him the power to keep his eyes open. This story soon spread and tea bushes are often seen in Buddhist places of worship. ठीक है दोस्तों, तो ये जो है पैसेज हमने इसको रीड किया और इसको रीड करने पर ही जो है हमको एक आइडिया लग गया कि ये पूरा का पूरा जो पैसेज है ये किसके ऊपर है, टी लेजेंड्स के ऊपर। दोस्तों लेजेंड का मतलब होता है कहानियाँ, स्टोरीज, ठीक है, कहावतें, जो पुराने समय की जो स्टोरी जो कहावतें हैं उसको लेजेंड्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चाय पत्ती का कैसे आविष्कार हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई, चाय की कैसे शुरुआत हुई, कैसे लोगों ने पीना शुरू किया। माना जाता है कि सबसे पहले चाइना में जो है लोगों ने इसको डिस्कवर किया, इसको खोज की, तो चाइनीज़ लोगों ने पीना शुरू किया, तो उसके बारे में ये बताया है कि किस तरीके से चाइना में एक जो एंशियन कोई किंग था उसको किस तरीके से उसने चाय का आविष्कार किया, और एक दो जापानीज़ की स्टोरी, इंडिया की जो लेजेंड है, ये कहावतें सभी, मतलब एक तरह से पूरा चाय पत्ती जो है, चाय जो है उसके ऊपर ये पूरा का पूरा पैसेज है। एक इसको रीडिंग करने मात्र से हमको एक आइडिया लग गया, ठीक है ना। अब हम लोग जो है इसको वन वर्ड बाय वर्ड इसको हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है, पूरा डिटेल में, और फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं, इसको समझते हैं। एक मिनट, हाँ, तो इसमें जो है चाइनीज हैव बीन ड्रिंकिंग टी फॉर हेल्थ एंड एंजॉयमेंट फॉर मोर देन 5000 ईयर्स। मतलब ये देखो शुरुआत में क्या बताया जा रहा है कि चाइनीज लोग जो है पीते आ रहे हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ये सेंटेंस है, तो चाइनीज जो है वो चाय को पीते आ रहे हैं, और उनका चाय पीने का जो मुख्य जो कारण है वो क्या है, वो मुख्य कारण है हेल्थ के लिए और इंजॉयमेंट के लिए, ये दो पर्पस से जो है वो पीते आ रहे हैं, और वो कितने वर्षों से पीते आ रहे हैं, 5000 वर्षों से दोस्तों, ठीक है, 5000 ईयर्स से जो है वो चाय का सेवन करते आ रहे हैं, और किसी को भी नहीं पता है कि व्हाट ड्रू देम टू द ग्लॉसी ग्रीन लीव्स ऑफ कैमेलिया साइनेंसिस। किसी को भी ये नहीं पता है कि क्या क्या एग्जैक्ट क्या कारण था कि वो इस पत्तियों में सबसे पहले इन्होंने किस कारण, मतलब
कैसे चाय की शुरुआत इन्होंने की वो किसी को भी एग्जैक्टली नहीं पता है, ठीक है। और ये देखो पत्तियों का विवरण किया है, किस तरह की दिखती है ये, ग्लॉसी एकदम चमकीली हरे कलर की ये जो पत्तियां हैं, और ये कौन सी कैटेगरी की पत्तियां हैं दोस्तों, ये जो है ना इसका बायोलॉजिकल नाम है उस चाय का, ठीक है। चाय पत्तियों का नाम है कैमलिया साइनेंसिस, ये इसका बॉटनी में, अगर आप लोगों ने साइंस के स्टूडेंट हैं आप लोगों को पता है, बायो के स्टूडेंट तो, कि ये इसका बायोलॉजिकल नाम है, ठीक है। तो ये उसका नाम है चाय पत्ती का, कि किसी को नहीं पता कि इसकी सबसे पहले जो है ये लोग कैसे उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, शुरुआत कैसे हुई। बट लेकिन एक कुछ कहावतें हैं, है ना, कुछ फेमस कहावतें हैं, ये कहावतों से हमको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, गैप हमको फिलअप होती हुई दिखती है हमारे नॉलेज की, मतलब कुछ हमको उससे एक आइडिया लगता है कि कैसे शुरू हुआ होगा, है ना। एक ये कहावतों के साथ कुछ पुरानी जो कहावतें हैं उसमें से एक ये कहानी है कि शेन नोंग जो है नाम का एक पुराना राजा किंग हुआ करता था, अर्ली एम्परर था चाइना का, ठीक है ना। ही रिक्वायर्ड दैट ऑल ड्रिंकिंग, उसने एक फरमान निकाला, ठीक है, उसने अपने राज्य में जो है एक कंडीशन रख दी कि जितना भी पीने का पानी है उसको उबाला जाए, सारा पानी को, हो सकता है कोई बीमारी हो उसको स्वच्छ करने के लिए, पानी को साफ करने के लिए उसने ये कर दिया था कि उसके राज्य में पानी को जो है क्या किया जाए, उबाला जाए। तो क्या हुआ, एक समर डे, मतलब एक गर्मी के समय में, जब वो अपने राज्य के कोई दूर दराज वाले एरिया में वो वहाँ पर गया हुआ था, ही स्टॉप्ड, वो रुका वहाँ पे एंड टू रेस्ट, थोड़ी देर वो वहाँ पर रुका आराम करने के लिए, बिकॉज ही फेल्ट वेरी टायर्ड, क्योंकि उस समय वो जो है थक गया, तो थकान के कारण जो है वो वहाँ कहीं पर उस एरिया में रुक के आराम करने लगा। द सर्वेंट्स बिगिन टू बॉइल वाटर फॉर द किंग एंड हिज मिनिस्टर्स टू ड्रिंक, तो उसके जो नौकर थे उन लोगों ने क्या शुरू किया, उन्होंने पानी को बॉयल करना, उबालना शुरू करा राजा के लिए और मिनिस्टर्स के लिए, है ना। जाहिर सी बात है पानी खराब होगा तो बॉयल करके पिएंगे तो साफ रहेगा, ठीक है। और राजा की भी यही इच्छा थी, उसने भी फरमान दिया हुआ था, तो उसके सर्वेंट ने जो है पानी उबालना शुरू करा राजा को और उसके मिनिस्टर्स को पिलाने के लिए। ड्राइड लीव, अब देखो क्या है, ड्राइड लीव्स फ्रॉम द नियर बाय बुश फेल इनटू द बॉइलिंग वाटर, तो आसपास की जो झाड़ियाँ थी दोस्तों, वहाँ की जो पत्तियाँ, उस आसपास उस एरिया के आसपास में जो झाड़ियाँ थी, कुछ उसकी जो पत्तियाँ हैं वो गिर गई, किस में, उस उबलते हुए पानी में। और फिर क्या हुआ कि वो जो पानी है उबला हुआ वो पूरा का पूरा ब्राउन कलर का बन गया, जैसे कि आपको पता है कि चाय पत्ती का काढ़ा जिस तरीके का कलर ले लेता है उसी कलर का वो बन गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि राजा ने जो है उसने वो लिक्विड पिया, उसने नया वाला जो काढ़ा है, जो चाय पत्ती वो जो पत्तियां हैं वो गिरा हुआ जो काढ़ा जो पानी है वो उसने पिया, और उसके पीने के तुरंत बाद उसको बड़ा फ्रेश लगा, अच्छा लगा उसको, और काफ़ी कंफर्टेबल उसको लगा, है ना, उसको एकदम फ्रेश फील हुआ, है ना, आफ्टर ड्रिंकिंग अ लिक्विड ये पीकर। एंड दस टी वॉज क्रिएटेड, और उस समय से जो है माना जाता है कि ये जो चाय है इसका आविष्कार हुआ, तब से चाय का लोगों ने उपयोग करना जो है शुरू किया, ठीक है। तो इस तरीके से एक लेजेंड तो ये है, एक कहानी तो ये है कि इस राजा की शेन नोंग जो है ये सबसे पहले दूर दराज के एरिया में गया था, वहाँ पे पानी इसने उबलवाया था और वहाँ पर गलती से कुछ पत्तियाँ जो है उसमें गिर गई, और जब वो काढ़ा जो इसने पिया उससे इसको अच्छा लगा, और उसके बाद एक चलन बन गया, ठीक है, एक पूरा एक ट्रेंड बन गया इस चीज़ का। तो एक तो ये माना जाता है, और देखो हाँ इंडियन लेजेंड भी है, हमारे भारत में भी कहावत है, क्या कहावत है उसमें भी ये भी है, उसकी एक स्टोरी है कि बुद्धिस्ट मॉन्क, जो बुद्ध मठ के जो संत है, साधु है, मॉन्क है, ऑन वन ऑफ हिज ट्रेवल अबाउट, देखो एक बुद्धिस्ट मॉन्क जो है, एक बुद्धिस्ट साधु जो है 2000 साल पहले, वो जब वो ट्रैवल कर रहा था तो उसने जो है एक कसम खाई हुई थी, स्वर जो है स्वेयर का सेकेंड फॉर्म है, स्वेयर का कसम, उसने एक अपने आप से एक प्रण लिया था, क्या प्रण लिया था कि वो जो है 9 साल तक, ये उसने इस तरह की एक उपवास रखा था कि 9 साल तक जो है वो नहीं सोएगा, बिल्कुल सोएगा नहीं वो उसकी जर्नी के दौरान, है ना, 9 साल तक वो जर्नी करेगा और वो सोएगा नहीं उसमें, ठीक है। हाउएवर लेकिन क्या हुआ कि बाय द एंड ऑफ 3 ईयर, 3 साल के बाद ही जो है उसको क्या होने लगा, एकदम फैटिक, पूरा चूर होने लगा, एकदम थकने लगा, बहुत ज़्यादा उसको थकान होने लगी। ही ऑलमोस्ट फेल,
और ऑलमोस्ट जो है वो क्या हो गया, फेल असली, मतलब लगभग एकदम 3 साल के बाद उसकी ऐसी हालत नहीं रही कि वो और ज़्यादा जाग सके, और बिल्कुल वो नींद से गिरने लगा, है ना, इस तरह की उसकी हालत हो गई। और आगे देखते हैं, तो दैट इज व्हेन ही एक्सीडेंटली स्टम्बल्ड अपॉन द वाइल्ड ट्री एंड पिक्ड अ फ्यू लीव्स फ्रॉम इट्स टॉप। और उस समय जब वो बिल्कुल फैटिक हो गया था, थक के चूर हो गया था और ऐसे बेहोश होते हुए कहीं पे एकदम गिरने लगा, लेकिन एक्सीडेंटली वो जहाँ गिरा, मतलब वो जहाँ पर बेहोश हुआ वहाँ पे कुछ झाड़ियाँ थी, कुछ छोटे छोटे प्लांट्स थे, है ना, उसकी पत्ती जो है उसने एक्सीडेंटली उसको तोड़ के खा ली, चबा ली, वो पत्तियाँ खा ली, और वो पत्ती उसने जैसे ही चबाई, ही च्यूड ऑन द लीव, जैसे ही चबाई और बिल्कुल वो एकदम फ्रेश रिफ्रेश हो गया, वापस से उसकी नींद भाग गई, ठीक है। तो थैंक्स टू दीज लीव्स, है ना, तो ये शुक्र है इस पत्तियों का कि अब वो क्या है, ही वॉज एबल टू स्टे अवेक, और फिर वो जागा, है ना, अवेक रहा बिल्कुल ड्यूरिंग द नेक्स्ट 6 ईयर, और अगले 6 सालों तक जो है उसने अपने पूरे मिशन को बिना सोए कंप्लीट किया, मतलब 3 साल तो वो उस तरह, और अगले 6 साल जो है वो पत्तियाँ जो उसने खाई उसके कारण वो जो है नहीं सो पाया, और बीच बीच में और आगे खाता रहा होगा, मतलब उसके कारण उसकी नींद सारी जो है भाग गई, और उसकी थकान भी, केवल नींद नहीं, उसको थकान और उसको अच्छा फील होने लगा, फ्रेश फील उसको होने लगा, ठीक है ना। तो ये तो था इंडियन लेजेंड। अब इसके अलावा जो है एक और लेजेंड, एक और कहावत है जो कि जापनीज है, तो जापनीज वर्जन ऑफ दिस लेजेंड, इस स्टोरी का जो जापनीज वर्जन है वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो किस तरीके से है, द मॉन्क हैड वूड टू मेडिटेट फॉर 7 ईयर। यहाँ जो संत है, जापान की जो कहानी है उसके अंदर ये जो मॉन्क है, ये जो इनका बुद्धिस्ट गुरु जो है धर्म गुरु, इन्होंने एक कसम खाई, क्या, कि मैं जो है ध्यान करूंगा, साधना करूंगा, कितने साल के लिए, कंटिन्यूसली 7 ईयर्स के लिए बिना सोए हुए, विदाउट स्लीप, ठीक है, बिना सोए वो साधना करेगा। अब क्या हुआ कि एक रात को क्या हुआ कि ही फेल असली, उसको नींद आ गई, भाई एक नाइट में जो है साधना करते करते उसको नींद लग गई। अब क्या हुआ कि ही वो सो एंग्री विद हिमसेल्फ, इतना गुस्सा हुआ उसको, अपने आप पर इतना गुस्सा आया कि उसने क्या किया पता दोस्तों, उसने अपनी आईलिड, मतलब ये जो आंखों की ये जिससे वो आंखें झपकती हैं, बंद होती हैं, इसको उसने काट दी, दोनों आईलिड्स को उसने काट के उसने क्या किया कि फेंक दिया, उसने ग्राउंड पे फेंक दिया। अब कुछ सालों के बाद, है ना, जब वो इसी जगह पर, इसी स्पॉट पर वापस आया तो उसने क्या देखा कि एक स्ट्रेंज लुकिंग बुश, एक अजीब सी झाड़ी, एक अजीब सा प्लांट जो है वहाँ पर उगा हुआ था, और उसने जब इसकी पत्तियों को टेस्ट करा और उसको फिर फील हुआ, रियलाइज हुआ कि इन पत्तियों से तो उसको और ज़्यादा पावर आ गया, और पावर टू कीप हिज आइज ओपन, मतलब उस पत्तियों से जो है इसकी नींद, उसको रियलाइज हुआ कि मेरी इस पत्तियों से जो है मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे और अच्छा फ्रेश फील हो रहा है, रिफ्रेशमेंट मुझे लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो दिस स्टोरी सून, और ये जो कहानी जो है जो इस मॉन्ग ने डिस्कवर की थी, ये सब दूर फैल गई, और चाय टी बुशेस जो है, चाय पत्ती का जो चाय है, ऑफन सीन, ये सब दूर फैल गई। और उसके बाद जो है आपने देखा होगा कि ये जो टी के जो पेड़ होते हैं, चाय के जो बागान होते हैं, अक्सर कहाँ पर होते हैं, जहाँ पे बुद्ध प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो है, जहाँ पे बुद्धिस्ट लोगों का जो धर्म स्थल होते हैं, वहाँ पर ये जो है ज़्यादा चाय फैली हुई है। तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे श्रीलंका में भी चाय के बागान हैं, साउथ इंडिया में है, इधर आसाम में है, उधर पूरे चाइना में कई इलाके में जहाँ पे बुद्ध धर्म, बुद्धिस्ट धर्म को फैला हुआ है ना, भूटान में है चाय के बागान, तो इस तरह की जगह पर ज़्यादा है। तो ये बुद्धिस्ट लोगों की भी उसमें ये मान्यता है, जो कि जापान की एक कहानी है, लेजेंड है उसके हिसाब से, ठीक है दोस्तों। तो इसको पढ़ने पे जो है हमको समझ में आया कि ये एक तरह से कहानियाँ, कुछ स्टोरियाँ हैं, पुरानी कहावतें, जिससे ये पता चलता है कि किस तरीके से चाय पत्ती का जो इस्तेमाल है वो हुआ, चलन में आया, किस प्रकार से चाय पत्ती लोग पीना शुरू किया। 3 मुख्य लेजेंड की कहावतों की बात हो रही है, एक तो चाइना की थी, ठीक है, शेन नोंग, क्या नाम है इनका देख लेते हैं, हाँ, शेन नोंग नाम के जो एम्परर है, इन्होंने ऑर्डर दिया था कि एक हमारे राज्य में जो है सारे पानी को बॉईल करवाना है और बॉईल करके ही पीना है इस तरह से। और एक बार जब वो कहीं गए दूर दराज के एरिया में, जब उनको थकान हुई तो उनके जो नौकर ने चाय गर्म पानी उनको दिया, लेकिन उस दौरान जब पानी गर्म हो रहा था तो कुछ पत्तियाँ
गिर गई आसपास की, और उसके कारण वो पूरा ब्राउन पड़ गया। और जैसे ही वो काढ़ा उसने पिया, राजा ने, उसको बड़ा अच्छा लगा, तो तब से जो है वहाँ पर चलन में आ गया। तो एक तो ये कहानी है कि इस तरीके से चाय का की शुरुआत हुई, और दूसरी जो है इंडिया की है ना, उसमें बुद्धिस्ट एक मॉन्क ने कसम खाई थी कि मैं बिना कंटिन्यूस जो है 9 साल तक है ना, बिना मैं जहाँ भी मैं ट्रेवल करूँगा तो सोऊंगा नहीं, है ना। और उसको नींद आ गई 3 साल बाद, तो उसके बाद जो है नींद आई उसको, और उसके बाद वो गलती से जब उसको ऐसी चक्कर आ रहे थे तो वो ऐसी जगह पर गिरा जहाँ पर वो कुछ झाड़ियाँ थी, उसने वो पत्तियाँ चबाई और उसकी नींद वापस भाग गई, और उस तरीके से उसने आगे की पूरी 6 साल और बिना सोए अपनी जर्नी, अपना मिशन कंप्लीट किया। तो एक इंडिया की ये कहानी थी, और उसके बाद जो है एक लेजेंड की स्टोरी जो है जापान से निकली थी, जिसमें एक मॉन्क ने 7 साल कंटिन्यूसली बिना सोए साधना करने का थाना ध्यान करने की उसने कसम ली, और एक रात जब उसको नींद आई तो वो गुस्सा हुआ, और उसके बाद उसने अपनी दोनों आईलिट काट के उसके उस जगह पर फेंक दी। और कुछ समय बाद जब वो वापस वहाँ पर आया तो उसने देखा कि कुछ झाड़ियाँ उगी हुई है, और जब उसने उसको टेस्ट करा तो उसको अच्छा फील हुआ। तो तब से जो है लोगों में चलन में आ गया, और ऐसा माना जाता है कि बुद्धिस्ट प्लेसेस के आसपास जो है ये झाड़ियाँ सबसे ज़्यादा इसी कारण से दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को पूरा क्लियर अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका मीनिंग। चलिए सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चंस। फर्स्ट वाला 76 वाला जो क्वेश्चन है हमारा, तीनों लेजेंड में द लीव्स हेल्प द पर्सन टू ईट इट टू रिकवर, दिस सजेस्ट दैट द लीव्स डैश। ठीक है, देखो तीनों की तीनों जो कहानियाँ हैं उसमें एक चीज पता चलती है कि पत्तियां जो है वो इंसान को कैसे हेल्प करती, जो भी इसको खाता है वो उससे क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है, मतलब एक उसको अच्छा फील होता है। और इससे क्या हमको समझ में आता है, क्या इससे हमको सजेशन मिलता है कि द लीव्स आर एंडोर्ड विद सम मैजिकल पावर, क्या उन पत्तियों में कोई जादुई ताकत थी, है ना, इसकी तो बात नहीं की जा रही है। द लीव्स कैन रिफ्रेश एंड रिजुविनेट द अ पर्सन, की लीव्स जो है वो रिफ्रेश कर सकती है, और रिजुविनेट मतलब एकदम फ्रेश फील कर सकती, इंजॉय, रिजुविनेट का मतलब होता है एंजॉयमेंट, इंजॉय, ठीक है, पर्सन को जो है एकदम इंजॉयमेंट होता है, अच्छी खुशी होती है, बिल्कुल ये हो सकता है। फर्स्ट लाइन जो है हमारी पैसेज की उसी में ये दिया हुआ है, देखो आप, है ना, हेल्थ एंड इंजॉयमेंट ये हमारा दिया हुआ है, तो बिल्कुल मीनिंग वाइज जो है करेक्ट है। मेडिकल पावर जो हील कर सके, उसमें मेडिकल पावर है, दोस्तों हमको पता है कि होता है, लेकिन उसमें पैसेज में ये चीज़ नहीं दी हुई है, आप ये याद रखें। जो पैसेज के अंदर दिया है ना वो वाला पॉइंट हमको लिख रहा है, कुछ पॉइंट हमको लगेगा कि ये सही है, जैसे ये वाला पॉइंट हम कहेंगे कि हाँ चाय पत्ती के अंदर कुछ मेडिकल पावर होता है और जिससे हम अच्छे हो जाते हैं, बट यहाँ पर उसकी बात नहीं हुई है, पूरे पैसेज में जो है किसकी बात हुई है, एक रिफ्रेशमेंट, रिजुविनेट, एंटरटेनमेंट, इंजॉयमेंट, इस तरह की बात हो रही है ना। फिर कैन प्रोवाइड एनर्जी एंड कैपेबिलिटी, ये भी है, लेकिन ये भी जो है पैसेज में नहीं बताया गया है, इसका मतलब ये पार्ट जो है पैसेज में क्लियरली डिफाइन इंडिकेट किया गया है, मतलब बी वाला हमारा जो है सही है, ठीक है ना, इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट देखो, द किंग वुड ओनली, क्या करेगा, देखो राजा जो है उसने क्या कसम खाई थी कि वो क्या करेगा, ईट द लीव, वो इसी पर्टिकुलर पेड़ जो है इसी की पत्तियां खाएगा, ऐसा कुछ किया नहीं, ही विल ड्रिंक बॉइल वाटर, ये बात उसने बताई थी, किसने, शेन नोंग ने, ये जो पहला जो किंग है कौन सा, ये चाइना का, इसने एक लिया था उसके राज्य में कि वो क्या करने वाला है, केवल बॉइलिंग वाटर ही पीने वाला है और दूसरों को भी यही पानी पिलाने वाला है, तो ये उसने एक तरह से कहा था। ड्रिंक चाय तो डिस्कवर नहीं हुई थी, चू ड्राइड पत्तियां सूखी चबाएगा, ये सब भी नहीं होगा, ठीक है, ये एग्जैक्टली दिया हुआ है कि वो पिएगा क्या, केवल बॉइल्ड वाटर पिएगा। सूटेबल टाइटल दोस्तों आप लोग बताएं, क्या डिस्कवरी ऑफ टी, चाय का आविष्कार, तो यहाँ पर चाय का आविष्कार से ज़्यादा जो है कौन सा मोस्ट सूटेबल, कौन सा, स्टेइंग अवेक, चाय के साथ जागे, द टी एंड पावर, टी फॉर पावर एंड एंजॉयमेंट, तो दोस्तों जो बिल्कुल एग्जैक्ट इसका जो पूरा मीनिंग आ रहा है वो ये है, टी लेजेंड्स, टी की कहानियाँ, चाय की कहावतें या कहानियाँ, क्योंकि तीन कहानियों की बात हो रही है और तीनों कहानियों के थ्रू ये दर्शाया गया है कि किस तरह से चाय चलन में आई, है ना, तो बिल्कुल आपका टी लेजेंड्स जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका टाइटल हो जाएगा।
79 वाला क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसमें हमको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इन चार स्टेटमेंट के अंदर कौन सा एक स्टेटमेंट सही नहीं है, रॉन्ग है, वो हमको बताना है। मतलब तीन स्टेटमेंट आपके राइट होंगे। चलिए देख लेते हैं, फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, द चाइनीज हैव बीन अवेयर ऑफ द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ टी फॉर लॉन्गर देन अदर्स। देखो चाइनीज जो है उनको हेल्थ, ये चाय के जो फायदे हैं उसके बारे में दूसरों से पहले इनको पता चल गया था। बिल्कुल सही बात है। आप देखो कि इंडियंस को और जापनीज को जो है वो 2000 साल के पहले पता चला था, और चाइनीज लोगों को पता चल गया था कब, 5000 ईयर्स पहले। और देखो ये यहाँ पे इंडियंस को पता चला था 2000 ईयर्स पहले, तो जाहिर सी बात है चाइनीज को इस चाय पत्ती के क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट्स है, इसके बारे में सबसे पहले पता चल गया था। मतलब ये जो स्टेटमेंट है कौन सा, ये वाला हमारा ट्रू है, हमको फॉल्स स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है ना, तो ये हमारा सही है। आगे देखते हैं, द इंडियन मॉन्क फेल असलीप बाय द एंड द थर्ड ईयर ऑफ स्टेइंग अवेक। अच्छा, जो इंडियन जो वो था बुद्धिस्ट मॉन्क था, उसको नींद लग गई कब, बाय द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, है ना, ऑफ आएगा यहाँ पे, बाय द एंड ऑफ द थर्ड ईयर ऑफ स्टेइंग अवेक। बिल्कुल सही बात है, तीन साल तक वो जागा और तीन साल के बाद जो है उसको नींद लग गई, ठीक है। कहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पे दिया है, देखो अवेक ड्यूरिंग द नेक्स्ट सिक्स ईयर, ये यहाँ पर दिया हुआ है, इंडियन लेजेंड जो है उसने किया बाय, देखो ये बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर उसकी, उसको जो नींद लग गई, बिल्कुल सही है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ठीक है। द इंडियन एंड जैपनीज लेजेंड दैट सराउंड टी आर नॉट सिमिलर। अच्छा, तो ये जो इंडियन, ठीक है, और जो जैपनीज लेजेंड्स है, जो कहानियां हैं दैट सराउंड टी, जो टी के आसपास है, वो सेम नहीं थी, वो क्या थी, वो कुछ अलग थी, ठीक है। इंडियन और जो जैपनीज जो कहानियां हैं जो कि टी के बारे में कही गई हैं, वो क्या है, वो एक जैसी नहीं थी, वो अलग थी, आर नॉट सिमिलर, वो डिफरेंट थी, ठीक है, ये भी हो सकता है। आगे देखते हैं, विच नॉट, हाँ ये ट्रू। आगे देखते हैं, द एडवेंट ऑफ टी इन इंडिया हैपन मच आफ्टर चाइनीज डिस्कवर्ड इट। तो ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों, ये भी हमारा करेक्ट है, क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है इंडियन और जापनीज लेजेंड जो है आर नॉट सिमिलर, वो डिफरेंट थी। इंडियन की एक जो कहानी है चाय के ऊपर वो बिल्कुल अलग थी, और जापनीज लोगों की जो स्टोरी है चाय के ऊपर वो बिल्कुल अलग थी, है ना। इसका मतलब ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है, बट हमको चाहिए गलत स्टेटमेंट। तो ये क्या लिखा है, द एडवेंट ऑफ टी, ठीक है, इन इंडिया हैपन्ड मच आफ्टर द चाइनीज डिस्कवर्ड इट। एडवेंट मतलब आगमन, किसका आगमन, चाय का आगमन, कहाँ पर, इंडिया में। हैपन्ड मच आफ्टर, वो कब हुआ, चाइनीज, जब चाइनीज ने इनको डिस्कवर कर लिया टी को, उसके बहुत बाद में जो है इंडिया में चाय का पता चला। तो ये भी सही है, मतलब इसमें चारों ही सही लग रहे हैं, लेकिन एक तो रॉन्ग होगा। तो पैसेज के हिसाब से देखना है दोस्तों, तो इंडिया और जापानीज लेजेंड्स जो है आर दैट सराउंड द टी, जो टी के आसपास जो कहानियां है वो एक जैसी नहीं है। अब देखते हैं, मेरे हिसाब से देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि एम्परर जो है उसने चाय पी आफ्टर दैट, या हाँ इंडियन लेजेंड्स की जो स्टोरी है उसमें क्या था, एक बुद्धिस्ट मॉन्ग था, ठीक है, और उसने 2000 पहले ईयर पहले डिस्कवर किया था, और उसने ठाना था कि मैं सोऊंगा नहीं। और ये जो है जापनीज वर्जन, देखो जापनीज वर्जन था इसी लेजेंड का, ये इससे पता चलता है। मतलब लेजेंड एक ही है, कहानी एक है, बस उसका वर्जन अलग हो गया, एक इंडियन वर्जन, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसको कुछ अलग तरीके से बताया जाता है, और उसी पर्टिकुलर उसी संत की बात है, उसी कहानी को जो है जापनीज में थोड़ा सा अलग तरीके से बताया जाता है। उसमें बताया जाता है कि वो 9 साल घुमा नहीं, वो 7 साल तक उसने क्या किया, उसने ध्यान किया कहीं पर, मेडिटेशन किया, तो उसको फॉर्मेट, उसका वर्जन चेंज किया जाता है, कहानी एक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका मतलब जो है हमारा ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इंडियन जापानीज लेजेंड है सराउंड द टी आर नॉट, ये दोनों की दोनों कहानियां एक है दोस्तों, इनके वर्जन अलग अलग है, आपको ये समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्जन लिखा हुआ है, सॉरी लेजेंड्स लिखा हुआ है, तो लेजेंड्स तो सेम है, ठीक है, लेकिन उसकी जो वर्जन है वो अलग अलग थे, ठीक है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, मतलब
ये हमारा सी वाला राइट है। देखो कितना डिटेल में आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, इतना डिटेल में आप समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है, पैसेज को पढ़ना है, तब जाके आप इसका आंसर सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो ज़्यादातर लोग जो है इसको रॉन्ग कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है सी वाला बिल्कुल रॉन्ग आंसर है, मतलब राइट चॉइस है, राइट हमारा ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 80 वाला क्वेश्चन जो है, एग्जॉस्टेड हैज़ द सेम मीनिंग इन एज अ पैरा टू। अच्छा, पैराग्राफ टू में जो है एग्जॉस्टेड, उसका मीनिंग क्या है? तो दोस्तों एग्जॉस्टेड जो मीनिंग है, मैं बता देता हूँ कौन से वर्ड की बात हो रही है। इसमें जो है एग्जॉस्टेड जो है उसके लिए एक वर्ड यूज हुआ है, किसमें? सेकेंड पैराग्राफ में, और वो आपका जो वर्ड है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे ये फैटिक। फैटिक का मतलब होता है वेरी टायर्ड, ठीक है ना, क्या मतलब होता है? वेरी टायर्ड, बहुत ज़्यादा, इतना मूर्छित हो जाना, एकदम इतना थक जाना कि उसमें बेहोश होने जैसी हालत हो जाए, उसका उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है इसमें जो राइट वर्ड है एग्जॉस्टेड के लिए वो है फैटिक, ठीक है। स्टम्बल्ड मतलब लड़खड़ाना, वोड मतलब चिल्लाना, है ना, एक तरह से शपथ लेना, वो वोड होता है, ठीक है, फैटिक राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये हमारे पैसेज के क्वेश्चंस ओवर हुए, 5 क्वेश्चंस हमने पैसेज के किए, अब हम लोग आगे का कंटिन्यू करते हैं। 81 वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये पर्टिकुलर आपके सामने जो है ईडियम है, इसका मीनिंग बताना है, और ईडियम का मैंने बताया है जैसे कि पहले कि आपको इसका मीनिंग बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है, कोई ट्रिक कोई टेक्निक इसमें नहीं है दोस्तों, बिल्कुल पता होना चाहिए। क्या लिखा है? ट्विस्ट समवन्स आर्म, किसी के हाथ को ऐसे मोड़ना, ट्विस्ट करना, है ना, हाथ ऐसे मोड़ना मतलब क्या होता है कि जबरदस्ती उससे कोई काम करवाना, वो करना नहीं चाहता है बट उससे जबरदस्ती फोर्सफुली जो है उससे वो कार्य करवाना, ठीक है, टू फोर्स समवन टू डू समथिंग बाय मेकिंग इट हार्ड फॉर देम टू रिफ्यूज, है ना, इस तरीके से उसको कंडीशन कर दो कि वो मना ही ना कर पाए, तो बिल्कुल हमारा जो है फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, किसी को एनॉय करना, गुस्सा दिलाना, किसी को मनाना, ठीक है, और किसी को हर्ट करना, ये सब नहीं, बिल्कुल उसको फोर्स करना एक तरह से ताकि वो जो है उस काम को मना ही ना कर पाए, उसको बिल्कुल उसको करना ही पड़े, जबरदस्ती करवाना, वो हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों। इस पर्टिकुलर सेक्शन में कुछ एरर है हमको देखना है, नहीं एरर है तो नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। The western disturbance blowing towards north India are colder as before. दोस्तों ये western disturbance जो हवाएं आती है जो कि किधर से north India की तरफ वो blow करती है और वो क्या करती है are colder dash before. तो ये देखो are क्या है colder है, अब ये colder क्या है comparison हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है comparison, मतलब यहाँ पे comparative degree का use हो रहा है, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री में एज नहीं आता है दोस्तों, किस में आता है, बिल्कुल आपका एडजेक्टिव लगा है यहाँ पर, ठीक है, एडजेक्टिव लगा है, उस एडजेक्टिव के साथ जो है ईआर लग जाता है और उसके बाद जो है देन लग जाता है, क्या लगता है देन लग जाता है, एज जो है वो नहीं लगने वाला है दोस्तों, ठीक है, एज जो है जनरली पॉजिटिव डिग्री में लगता है। ठीक है ना, एज जो है वो पॉजिटिव डिग्री में लगता है, तो यहाँ पे जो है एज हमारा रॉन्ग हो जाएगा और ये बिल्कुल डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, मोर नहीं होगा, आर कोल्डर देन जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। ये हमारा जो है जंबल सेंटेंसेस है, मतलब री अरेंजमेंट है, ठीक है, री अरेंजमेंट का हमारा ये क्वेश्चन है, और दोस्तों इस क्वेश्चन में जो है सबसे पहले देखना होता है कि सेंटेंस का स्टार्टर क्या है, और अगर मान लो स्टार्टर पहले ही दिया है तो फिर हम हेल्प ले सकते हैं पेयरिंग बनाकर, हम देख सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस किसके बाद में या पहले आने वाला है इस तरीके से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो ए में क्या लिखा हुआ है आपके सामने,
सबसे पहले तो आप देखो कि चारों ही आपके ऑप्शंस में ए से शुरुआत हो रही है, इसका मतलब ए जो है वो क्या है, हमारा स्टार्टर है, ठीक है। और ये जो स्टार्टर है, देखो क्या लिखा है दोस्तों, इज देयर अ केमिस्ट नियर बाय, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। सीधा सीधा आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या आसपास कोई केमिस्ट है। तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, अगर आपसे सपोज कोई प्रश्न पूछता है कि क्या यहाँ पर आसपास कोई केमिस्ट है, कोई क्या आसपास कोई मेडिकल शॉप है, इस तरीके से अगर कोई आपसे प्रश्न पूछता है तो आप क्या बोलोगे, नहीं है या है, हाँ थोड़ा पास में, हाँ 5 मिनट के रास्ते में आपको चलना पड़ेगा और सामने जो चौराहा आएगा और उसके बाद जो केमिस्ट की दुकान मिलेगी, इस तरीके से कुछ भी आप आंसर दोगे। मतलब अगर क्वेश्चन पूछा है तो आंसर आएगा आपको, बस यही तो आपकी पेयरिंग का ट्रिक है भाई। ए हमारा स्टार्टर है, हमको देखो क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर आप बताओ कौन से सेंटेंस में आ रहा है, यू विल फाइंड अ बिग केमिस्ट शॉप। ध्यान देना दोस्तों, ये होगा क्या बी बताओ मुझे, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, केमिस्ट पूछ रहे हैं। दोस्तों केमिस्ट अलग होता है, केमिस्ट की शॉप अलग होती है, केमिस्ट का मतलब होता है वो पर्सन, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, केमिस्ट का मतलब होता है वो पर्सन जो दवाई बेचता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक बड़ी सी केमिस्ट की दुकान, शॉप, तो आप बोलोगे ये बी हो रहा है, लेकिन बी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो यू विल फाइंड अ बिग केमिस्ट शॉप 100 meters अप द रोड ऑन द राइट हैंड साइड। बिल्कुल आपको लग रहा है पढ़ने में कि हाँ ए के बाद जो है बी ही आने वाला है, ऐसा लग रहा है ना, लेकिन ये रॉन्ग है दोस्तों। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि पूछा कुछ और है और आंसर कुछ और दिया जा रहा है। भाई उसने केमिस्ट की शॉप के बारे में नहीं पूछा है, उसने केवल केमिस्ट के बारे में पूछा है। केमिस्ट अलग होता है दोस्तों, दवाई जो सेलर होता है, दवाई बेचने वाला होता है, या एक डॉक्टर भी हो सकता है, ठीक है ना, या जहाँ दवाई रखता है, जो दवाई सेल करता है वो होता है। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं, इसका मतलब ए और बी नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, याद रखना। आगे देखो, इज देयर एनी केमिस्ट, इज देयर अ केमिस्ट शॉप नियर बाय, इसको देखो, यस मैडम इट इज अबाउट 3 इज देयर अ केमिस्ट, केमिस्ट पूछा जा रहा है, इट इज अबाउट 3 minute वॉक फ्रॉम हियर। क्या बोला जा रहा है कि इट इज अबाउट 3 minute वॉक फ्रॉम हियर, कि वो कितनी दूर है, 3 minute वॉक, मतलब आप यहां से 3 मिनट तक चलोगे और 3 मिनट में जो है वो वहां से आ जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, कोई आपसे पूछता है तो आप पोलाइटली ऐसे ही बोलते हैं, या तो यस मैम करके बोलते हैं या फिर यस सर करके, है ना, पोलाइट बिहेवियर में इसी तरीके से बोलते हैं। तो ये ए और सी का जो है ना दोस्तों, ये पेयरिंग हो रहा है, राइट, ठीक है, ए और सी का पेयर हो रहा है और ए सी यहाँ पर है और ये हमारा जो है ए वाला राइट ऑप्शन है। तो इस तरीके से हमको जो है राइट पेयर मिला के सॉल्व करना है। अब आप पढ़कर देखो, बिल्कुल राइट जाएगा। सबसे पहले इज देयर अ केमिस्ट शॉप नियर बाय, जवाब मिलता है यस मैडम इट इज अबाउट 3 minute वॉक फ्रॉम हियर। और आगे आप देखो कि टेक द फर्स्ट, देखो और वो उसको और एक्स्ट्रा बात बता रहा है क्या, कि टेक द फर्स्ट राइट टर्न, पहला राइट टर्न लेना है, देन टेक द सेकेंड टर्न टू द लेफ्ट, फिर सेकेंड टर्न लो किस तरह, लेफ्ट की साइड, और वहां आपको पता चलेगी क्या, एक बड़ी सी केमिस्ट की शॉप 100 meter अप द रोड ऑन द राइट हैंड साइड। बिल्कुल इसी तरीके से डायरेक्शन बताई जाती है, पर सबसे पहले तो ग्रीटिंग होते हैं, सबसे पहले यस नो इस तरह की कोई बात होती है ना। तो जाहिर सी बात है, ओ ए और सी का आपका पेयरिंग है, ए वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है।